नमस्कार दोस्तों दोस्तों YouTube इस चैनल के वीडियो के व्यूज़ और सब्सक्राइबर दोनों रोक चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है ये मेरी समझ से परे है। इसके साथ ही मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन भी भेजी गई है, लेकिन इससे मैं रुकने वाला नहीं हूँ और मुझे जो अपने जो दिल की बात कहनी है वो ज़रूर मैं इस चैनल पे कहता रहूँगा। आपसे अनुरोध है, कृपया इस चैनल को बनाए रखने के लिए अपना सहयोग अवश्य दें। मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लेकिन आपसे मैं एक जरूर निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस चैनल की वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। IMF का प्रतिनिधिमंडल जब पाकिस्तान को बाय बाय कर रहा था, उसी वक्त से पाकिस्तानी जनता की हाय हाय शुरू हो चुकी थी। दाने दाने के फकीर इस मुल्क को कर्ज का लॉलीपॉप आश्वासन देकर IMF चला तो पाकिस्तान में महंगाई की लहरें सुनामी में तब्दील होना शुरू हो गई। मतलब पाकिस्तानी जनता समझ चुकी थी कि जनाब IMF खान के सामने आखिटक ने जो दाना डाला है वह उसने गोरैया बनकर उठा लिया है। अब उस दाने की कीमत पाकिस्तानियों को अपनी जालीदार टोपी घास मंडी में रखकर चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान के लिए आज मंगलवार की सुबह महंगाई का जो तूफान लेकर आई है उसे देखकर किसी को भी पसीने आ सकते हैं। पहले जरा पाकिस्तान में पिछले 2 दिनों में रमजान में खजान का बदलता नया पाकिस्तान देख ले। पीछे जो महंगाई थी अब वह बीते दिनों की बात हो चुकी है। फिलहाल तो मटन का भाव 1000 रुपये किलो से ऊपर पहुंच गया है। चीनी 80 रुपये किलो बिक रही है। दाल चना 145 रुपये है, जबकि दूध 100 रुपये से ऊपर पहुंच गया है। गर्मी के दिनों में बिकने वाला तरबूज 60 रुपये किलो को छूकर अब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। बड़ी बात देखिए, IMF से 6 अरब डॉलर की भीख के बदले IMF खान बिना लंगोटे वाले पाकिस्तानियों पर 700 अरब रुपये का टैक्स और लादने जा रहे हैं। यानी पाकिस्तानियों के पेट में जितना गुड़ गोबर है यह उसे ठोक ठोक कर निकाल के ही मानेगा। वैसे जो काम हिंदुस्तान को करना था, मतलब पाकिस्तान की ठुकाई, अब इमरान खान उसकी पूर्ति खुद कर रहा है। पर मामला केवल यहां तक सीमित नहीं है। अभी आने वाले दिनों में पाकिस्तानी रुपए पर छपे जिन्ना को भी इस्लामिक मुल्क के नजारे देखने हैं। भारत की अठन्नी से भी गया गुजरा यह जिन्ना वाला नोट अब अमरीकी डॉलर से चांटे खाकर भारत की चवन्नी के लायक बनने वाला है। यानी पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि जो कश्मीर के सपने देखते हैं उनकी औकात हमारी चवन्नी जितनी भी नहीं है। बड़ी बात यह है कि IMF कर्ज देने के बदले पाकिस्तानियों के कुर्ते के बटन भी तोड़ ले गया है। मतलब अब दुनिया के किसी भी हिस्से में जाए दूर से ही पहचाने जाएंगे। यानी भीख मंगे आए हैं, झोली फैलाकर लाए हैं। अब जरा IMF की उन शर्तों पर भी एक नजर डाल लें जिनके बारे में सुगबुगाहट चल रही है। यह वे शर्तें हैं जिनसे पाकिस्तानियों के तहमत का पीछे वाला हिस्सा जरूर गीला हो सकता है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की हालत तो जो होनी है वो तो होगी ही। गैस और बिजली के दामों में IMF खान को अभी 25% की बढ़ोतरी और करनी पड़ सकती है। यदि ऐसा किया गया तो गांव को 6 घंटे बिजली देने वाले पाकिस्तान के किसान तो पत्थर गिनेंगे ही। सब्जियों, अनाज और तिलहन की रखवाली के लिए पाक आर्मी को एक और ब्रिगेड बनानी पड़ेगी। पर असली मार तो पेट्रोलियम पदार्थों पर पड़ेगी, जिसके लिए IMF का आदेश है कि पाकिस्तान सरकार उन पर सब्सिडी कम करे। यानी पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में 10 से 15 रुपए की बढ़ोतरी ऑन होने वाली है। मतलब इस दहशतगर्द मुल्क को IMF ने जितना ठोका उतना तो शायद 1971 के युद्ध में भारत ने भी नहीं ठोका होगा, वह भी बिना गोली और धमकी दिए बगैर। वैसे कहने वाले तो यही कहते हैं कि इसके पीछे भारत का हाथ है, पर पाकिस्तान जैसे मुल्क को भारत हाथ से नहीं लातों से मारता है। पहले ही जनता के रोष और हड़तालों की रणभूमि बना पाकिस्तान इससे और गहरे संकट में फंस सकता है, या ये कहेगी फंसने जा रहा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। विपक्षी पार्टियां जिनमें PML नवाज और पीपुल्स पार्टी ने इमरान के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है, इससे इमरान सरकार कभी भी संकट में आ सकती है। जनता दिख भड़की तो पाकिस्तान आर्मी फिर से सरकारी द्वारों पर अपनी बंदूकें तानने के लिए तैयार बैठी है। इमरान खान ने रमजान के महीने में पाकिस्तानियों को खजूर के बजाय तरबूज खाने की सलाह दी है। जनाब का तर्क है तरबूज उनके शरीर में पानी की पूर्ति करेगा और वह डिहाइड्रेशन से भी बचे रहेंगे। पर असली डिहाइड्रेशन की डोज तो खुद इमरान ने IMF खान बनकर दी है।
यह ताने बाने की सरकार का प्रधानमंत्री जितना बोला उसका 1% भी धरातल पर करके नहीं दिखा सका। IMF पाकिस्तानियों का खून चूसने वाला वो कीड़ा है जो इनकी रगों में दौड़ते गंदे खून को फिल्टर कर सकता है, इन लोगों की दहशतगर्द मानसिकता और बकलोली की आदत को सुधारने का कारगर हथियार है। यह वो मुल्क है जो निकम्मा होने के साथ साथ भिखारी भी है। इसका अतीत भीख से शुरू होकर भविष्य के भिखारी पर जाकर ठहरता है। खास बात यह है कि पाकिस्तान नामक इस मुल्क की ऊर्जा आतंकवाद और भीख मांगने में ही खर्च होती है, इसीलिए ये फटे हाल है। इस्लामाबाद के 7 ब्लॉक में लगे विपक्षी पार्टियों के रमजान स्टॉल इस बात की गवाही देते हैं कि इस देश के क्या हालात हैं। पर यह असली कहानी नहीं है, इससे यह देश सुधरने वाला नहीं लगता है। आज भी कश्मीर राग अलापा जा रहा है, निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले दहशतगर्दों की तस्वीरें लहराकर उन्हें महिमा मंडित किया जा रहा है। शायद इस देश को आज भी एहसास नहीं है कि वह किस दौर से गुजर रहा है, उसके पीछे वास्तविक कारण क्या है। इमरान सरकार जनता को बरगलाने के लिए पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार की आड़ में अपने देश की उन कारगुजारियों को छिपा रही है जिनकी वजह से यह देश आज भीख मंगा हुआ है, मतलब पहले से बड़ा भिखारी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।